अब पता चला आसिफ भाई सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि मुक्के से भी अटैक करते हैं। ओ यार, एशिया कप में आसिफ अली के आउट होने पर जो हरकत इस तंदूर पे रोटियां लगाने वाले ने की है, तो इस बात पर हमारे लड़के को भी तब चढ़ गई। तेरा मैं इंक्वायरी कराना, तेरा मैं साफ लाना, चेक करना मैं तुम्हें। इससे पहले हम मैच हार रहे थे, हमने सोचा चलो यार मिस्कीन है, हमसाए हैं, इनको खैरात में मैच दे देते हैं। मगर जब इन्होंने आगे से अकड़ दिखाई तो फिर हमारे लड़के को भी गुस्सा आ गया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? और फिर जो इनके आंसू गिर रहे थे उसका मजा ही अलग था। अब तो इनके बच्चे भी इनको बोलेंगे पापा रात में जल्दी घर आ जाया करें, वरना आपके आने से पहले नसीम शाह होकर चले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो क्या हाल है और कैसी चाल है? मैं हूँ आपका प्राइम मिनिस्टर निकल। तो क्या चल रहा है आजकल? पाकिस्तान समेत तो दुनिया भर में एशिया कप चल रहा है। जहाँ पर एशिया कप चल रहा है वहाँ पर हमारे एक लड़के की तारीफें भी चल रही हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं नसीम शाह की, जिन्होंने एशिया कप में ही अपना डेब्यू किया और एशिया कप में ही हीरो बन गए, और कुछ आंखों का हीरा भी। हाँ, तो पहला मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, वहाँ पर कैमरा मैन की नजर की मरकज एक भारतीय दो शीजा बन गई, और उस भारतीय लड़की की नजर का मरकज हमारा लड़का बन गया। इस रोज पाकिस्तान तो मैच हार गया मगर हमारा लड़का दिल जीतने में कामयाब हो गया। बाद आ जा पूरी कौम के। क्या बात, ये बात है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैच के फौरन बाद उर्शी रोटीला ने अपनी इंस्टा स्टोरी कुछ इस तरह से डाली, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब हम इसकी स्टोरी का पोस्टमार्टम करते हैं। नसीम शाह स्माइल दे रहे हैं जब भारत का एक स्कोर पे एक आउट था और पहला आवर चल रहा था, और जब ये बैक स्माइल देती हैं तो 11वां आवर है और 97 पर भारत के 4 आउट हैं, मतलब के पूरे एक घंटे बाद। कुछ लेंस है इस बात की? चलो, इसने अपने फॉलोवर्स को तो बेवकूफ बना लिया, मगर काकी हमारे अब्बा नहीं मानेंगे। खुद को लालो लाल करके खुद को प्रीटी जेंटा समझ रही है, तो मैडम हमारे यहाँ बरातों पर इस तरह से मुंह लाल करके मांगने वाली आती हैं। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान ने इंडिया को हराने के बाद इरफान भाई ने ये वाला ट्वीट किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे, तो इरफान भाई आपकी टीम तो जुम्मे वाले दिन मुंबई एयरपोर्ट पहुँच रही है। तो भाई चलो ये भी एक्सप्लेन कर दें, इस संडे कौन सी गली में मैच रखा है? आई एम सॉरी सर, बट इज योर फादर। इस बंदे को आज तक अपने फादर का नहीं पता चला और ये दूसरों के बताता फिर रहा है। जब पाकिस्तान ने दूसरे मैच में इंडिया को गाड़ा तो ये हिंदुस्तानी डब्बू दूर दूर तक नजर नहीं आया। अल्लाह ताला ने इंसान को करने के लिए एक मखसूस रास्ता बनाया है, मगर इन्होंने हमेशा मुंह से ही करनी होती है, क्योंकि उस रास्ते को इन्होंने दुकानदारी जो बनाया हुआ है। और रात को अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह ने जो नमक हरामों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, इसके बाद तो इंडिया से ज्यादा इन नमक हरामों से नफरत हो गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मतलब जिनका सारी उम्र कचरा उठाया है अब उनको ही अकड़ने लग गए हैं। साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। और नमक हरामों अब इस लेवल तक पहुंच गए हो कि अपनी औकात भूलकर अब मालकों पर ही भौंकने लग गए हो। नसीम शाह जानी एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? समझ रहे हो भाई, ये कौम के दिल की बात हो रही है। नहीं, मैं नहीं मानता। रिलैक्स गाइस, अभी तो हमारे पास लेडी वर्जन में भी नसीम शाह मौजूद है। ओह माय गॉड,
यार जिंदगी में नाकामियां और परेशानियां आती रहती हैं, मगर हमेशा जिंदगी में जलालत के बाद इस तरह का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ इस तरह की बेगैरती भी। ये है हमारे असल नवाज, जिनसे पीटीआई समेत पूरा मुल्क प्यार करता है, क्योंकि हर नवाज मुल्क खाने वाला नहीं होता। वाह भाई वाह। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मगर व्यूज अभी भी 200 ही आ रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।